दोस्तों क्रिकेट के बारे में तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और आज मैं ऐसे ही और एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, और वो है परफ्यूम बॉल। जी हाँ, क्रिकेट में ही परफ्यूम बॉल किया जाता है और ये एक बॉलिंग का स्टाइल, एक्चुअली स्टाइल भी नहीं, ये एक्चुअली बॉल के टाइप डिफाइन करता है। तो परफ्यूम बॉल क्या होता है, बॉल में क्या परफ्यूम लगाकर बॉल किया जाता है, और इससे क्या कोई सफलता मिलता है या फिर इससे कोई एडवांटेज होता है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों ये जो परफ्यूम बॉल है, ये परफ्यूम बॉल एसएस सीरीज यानी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट सीरीज होता है वहां पर पहली बार इसका जिक्र किया गया था। और ये परफ्यूम बॉल क्या होता है, परफ्यूम बॉल असल में कोई अलग किस्म का बॉल नहीं होता है, ये एक्चुअली होता है बाउंसर बॉल। जब भी कोई बाउंसर बॉल किया जाता है तब क्या होता है, बॉलर बॉल फेंकता है और वो बॉल जब भी बाउंस करता है, बाउंस करके बैट्समैन के पास जाता है, तो बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन उससे बचाव करता है, कभी कभार नीचा होके या फिर कभी कभार छलांग लगा के भी। यानी मान लीजिए वो ओवरहेड पुल शॉट मारना चाह रहा था लेकिन वो अपने फेस में दिख रहा है कि बॉल आ रहा है, तो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए अपना फेस हटाने की कोशिश करेगा बॉल की लाइन से, तो बॉल अपने फेस के ठीक सामने से चला जाता है। ऐसे भी बहुत बार होता है कि बॉल का लेदर का जो स्मेल होता है वो क्रिकेटर यानी वो बैट्समैन जो है वो स्मेल करता है या फिर स्मेल कर पाता है। तो ये जो स्मेलिंग है, इस स्मेलिंग के नाम पे ही इसे परफ्यूम नाम दिया गया है, और ये जो बॉल किया जाता है इसे परफ्यूम बॉल कहा जाता है, और ये परफ्यूम बॉल हमेशा ही होता है एक बाउंसर, और ये जो बाउंसर है ये बाउंसर बैट्समैन के फेस पे आता है, यानी फेस टारगेट करके ही बाउंसर किया जाता है या फिर हो जाता है फेस टारगेट। तो फेस को आगे पीछे डाने बाएं ऊपर नीचे जैसे भी करके इस बॉल को डक करना है, और डक करते ही इस बॉल को परफ्यूम बॉल कहा जाता है। और ये बॉल बहुत डेंजरस बॉल होता है, ये बॉल अगर हेलमेट या फिर बैट्समैन हेड या फिर बैट्समैन फेस के किसी भी हिस्से में लगता है तो बैट्समैन मान लीजिए कुछ ना कुछ रफा दफा हो ही जाएगा, और एक बार हो भी चुका है, आप जानते होंगे कुछ दिन एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के साथ ऐसा ही एक वारदात हुआ था। और ऐसे बाउंसर लगभग हर मैच में हम लोग देख सकते हैं जिसके बचाव वो भी बैट्समैन करता ही रहता है। तो दोस्तों ये क्या पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, साथ में ये भी लिखेंगे क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।